उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़े कड़े कदम उठाए हैं और कई योजनाओं का आरंभ भी किया है, लेकिन आज भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। रोज़ाना कई बहन बेटियां इन हवस के भेड़ियों का शिकार होती हैं, फिर जांच का सिलसिला शुरू होता है। आपको बता दें कि जांच की कोई सीमा नहीं होती है। ऐसे ही एक महिला के साथ गैंग रेप की घटना घटी। तमंचे के बल पर महिला की इज्जत को लूटा। रामपुर के थाना खजूरिया के एरो गांव में वीरेंद्र कुमार का परिवार रहता था। वीरेंद्र कुमार गाड़ी चलाता था, वे गाड़ी पर चला गया था। उसकी पत्नी घर पर अकेली थी। उसकी पत्नी के साथ दो लोगों ने बारी बारी से रेप किया। पीड़ित मीनू देवी ने अपने पति की सारी घटना बताई। इस पर वीरेंद्र कुमार की तहरीर पर थाना खजूरिया में परवेज खां और अमीर अहमद के खिलाफ गैंगरेप का मुकदमा दर्ज किया गया। वीरेंद्र कुमार की पत्नी मीनू देवी ने कहा कि उसके पति गाड़ी पर गए थे, वे घर पर अकेली थी और सो रही थी कि गांव के चार लोग दरवाज़ा तोड़कर घर के अंदर आ गए और दो लोगों ने मेरे साथ गैंगरेप किया और दो लोग तमंचा लेकर खड़े रहे। एक का नाम परवेज खां जो प्रधानपति है और दूसरा अमीर अहमद है। बाकी दो आरोपियों को वे नहीं पहचानती। इस गैंगरेप की क्या वजह थी इससे पीड़ित इनकार कर रही है कि इसका क्या कारण था। बहरहाल ये हवस के दरिंदे कब तक महिलाओं को अपनी हवस का शिकार बनाते रहेंगे और पुलिस कब इन पर अपना शिकंजा कसेगी। रामपुर यूपी से जाट टीवी न्यूज के लिए नाजिम मलिक की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मीनू देवी। क्या पूरी घटना थी? पूरी घटना बताइए। मेरे पति गाड़ी चलाने चले गए थे, मैं अकेली सो रही थी घर पे, तो दोनों लोग ने दरवाजा तोड़ के और चले आए। अच्छा। चार लोग फिर मेरे साथ दो लोगों ने जबरदस्ती रेप किया और दो लोग तमंचा लेके खड़े रहे, एक बाहर एक ऊपर छत पे। प्रधान क्या नाम था उनका? एक का नाम परवेज खान। अच्छा। एक का अमीर अहमद। अच्छा। दो का नाम क्या मांग? क्यों दो मैं उन्हें पहचान लिए थे, दो को नहीं पहचान पाए, नीचे खड़े थे वो लोग तमंचा लेके। ऐसा क्यों करा उन्होंने आपके साथ? बचा मुझे मालूम नहीं तो आप क्या दुश्मनी थी उन लोगों की? क्या करा आपके साथ उन्होंने? जबरदस्ती मेरे साथ रेप किया दोनों ने बारी बारी से। अच्छा। तो मुकदमा दर्ज हो गया आपका? हो गया। क्या जी? इसमें सुबह थाना खजूरिया पर एक सूचना मिली थी जिसके तहत पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और महिला का मेडिकल करवाया जा रहा है और बयान करवाए जाएंगे और जो भी विवेचना में साक्ष्यों में पाया जाएगा उसी के आधार पर आगे कार्यवाही की जाएगी। कितने लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ? जी इसमें दो लोगों के खिलाफ महिला ने आरोप लगाया है। मामले की तफ्तीश की जा रही है? जी मामले की तफ्तीश की जा रही है।